सो इट इज ली चैटेलियर्स. प्रिंसिपल ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल क्या है? ये प्रेडिक्ट करता है कि हम लोग कोई भी इसमें चेंज करेंगे, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, या कोई रिएक्टेंट ऐड कर दो, प्रोडक्ट ऐड कर दो, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा. तो इसका डेफिनेशन क्या है? व्हेन अ रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, पहले ही सब इक्विलिब्रियम पे, बट उसको सब्जेक्टेड टू एनी एक्सटर्नल चेंज, इज सब्जेक्टेड टू चेंज इन रिएक्शन कंडीशन. रिएक्शन कंडीशन कैसे चेंज हो सकता है? टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इटीसी, कुछ भी चेंज कर दो, देन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन. वो कहीं ना कहीं शिफ्ट करेगा, या तो फॉरवर्ड आएगा या बैकवर्ड जाएगा. मतलब फॉरवर्ड जाएगा तो मोर प्रोडक्ट स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म होना, या बैकवर्ड जाएगा तो क्या होगा, मोर रिएक्टेंट फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा. वेयर इफेक्ट ऑफ चेंज इज मिनिमाइज्ड, वो उस डायरेक्शन करेगा जिससे उसका इफेक्ट मिनिमाइज हो. मतलब ये वैसे वर्क करता है जैसे ह्यूमन ब्रेन हो, उसमें रिएक्टेंट तुमने ऐड कर दिया तो नहीं चाहता कि एक्स्ट्रा कुछ भी आए, तो रिएक्टेंट को कंज्यूम करने के लिए फॉरवर्ड चल जाएगा, रिएक्टेंट रिएक्ट करके फॉरवर्ड आ जाएगा. तो ये नहीं कि पूरा उसको कंज्यूम कर जाएगा, बट उसका इफेक्ट मिनिमाइज कर जाएगा. रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन बढ़ा दिया गया तो मान लो 2 मोलर से 5 मोलर कर दिया गया तो प्रोडक्ट साइड जाएगा, तो 5 से वापस 2 तो नहीं आएगा बट 3, 3.5 वगैरह आ जाएगा. उसी तरह मान लो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट 4 मोलर था, तुमने कम करके 2 मोलर कर दिया, तो फिर वो आगे जाएगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा जब तक कि वो 3, 3.2, 3.5 ना आ जाए. मतलब उसके इफेक्ट को मिनिमाइज करेगा. तो ये ह्यूमन ब्रेन के काम तरह काम करता है. तुम्हारे घर में कोई कचरा फेंक दे तो तुम तुरंत क्लीन करके उसे अलग करोगे, फिर वापस लाओगे. ये ठंडी का दिन आ गया, ठंड लग रही है, तो तुम तुरंत उसे हॉट करोगे, ये नॉर्मल कंडीशन पे ले आए. तो वही काम ये भी करेगा कि मान लो प्रोसेस एंडोथर्मिक है, हीट एब्जॉर्व करके बाहर जाता है, तुमने हीट दे दिया उसे, तो इतना हीट बर्दाश्त नहीं करेगा, उसको एब्जॉर्व कर लेगा, तो एब्जॉर्व करके फॉरवर्ड चला जाएगा. एंडोथर्मिक रिएक्शन को हीट करोगे तो फॉरवर्ड चला जाएगा. एग्जाम्पल ले लो कि वाटर है और आइस है, दोनों इक्विलिब्रियम में, तुम हीट कर दो, किधर जाएगा? आइस से वाटर बनेगा. आइस वाटर इक्विलिब्रियम में है, तुमने हीट दे दिया तो सिस्टम क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्व कर लेगा. एब्जॉर्व करके किधर चला जाएगा? आइस से वाटर की ओर चला जाएगा. एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो हीट करने पर फॉरवर्ड चला जाएगा. रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक कौन सा होगा? जब गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड बनाओगे. एक्सोथर्मिक है तो मान लो कि तुम वाटर से लिके उसको आइस बनाना है तुम्हें, तो ये रिएक्शन तो एक्सोथर्मिक है, वाटर से आइस बनेगा तो हीट रिलीज करेगा. रेफ्रिजरेटर का काम वही है, वो हीट लेकर बाहर फेंक देता है, तो हीट जो रिलीज करता है वो, तो उसको क्या करोगे, ये एक्सोथर्मिक था, एक्सोथर्मिक को कूल करो तो फॉरवर्ड जाएगा. मतलब वाटर से आइस बनाना है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, उसे कूल कर दोगे तो वो क्या खिंचाएगा, वो फॉरवर्ड चला जाएगा. तो एंडो को हीट करने में फॉरवर्ड जाता है, एक्सो को कूल करने में फॉरवर्ड जाता है. मतलब ये इन सच अ वे होगा कि इफेक्ट ऑफ चेंजेस मिनिमाइज्ड. हाँ, तो अब देखते हैं कि ये फर्क कैसे पड़ता है ना. तो ये पिछले बार बताया था क्यूसी क्यूपी और केपी केसी. केपी और केसी तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, क्यूसी क्यूपी कंसेंट्रेशन डिपेंडेंट है. तो फर्स्ट एडिशन ऑफ रिएक्टेंट्स और रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट्स. या तो तुम रिएक्टेंट ऐड करो या प्रोडक्ट को हटा दो, तो रिएक्शन किधर जाएगा? तुमने रिएक्टेंट को ऐड किया, हाँ, तो रिएक्टेंट को कंज्यूम करना चाहेगा, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट से फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड हो जाएगा ना. ये प्रोडक्ट तुमने कम कर दिया तो वो फॉरवर्ड जाएगा कि प्रोडक्ट बना ले. एग्जांपल,
मान लो H2 गैस प्लस I2 गैस गिव्स आउट 2HI गैस है, तो इसका केसी मान लो 49 था और ये था 1 मोलर 1 मोलर 1 मोलर 7 मोलर, तभी रिएक्शन क्यूसी भी तो उतना ही है 49, तो ये इक्विलिब्रियम पे होगा। अब तुमने प्रोडक्ट कुछ निकाल दिया, 1 मोलर बाहर कर लिया था 6 मोलर हो गया, 1 मोलर प्रोडक्ट इज टेकन आउट, तो रिएक्शन किधर जाएगा? ये 1 मोलर 1 मोलर 1 मोलर, ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, तो किस डायरेक्शन में जाएगा? इन सच ए वे कि इफेक्ट इज मिनिमाइज। तो क्यूसी और केसी से करोगे तो क्यूसी इज लेस देन केसी ना, क्यूसी इज लेस देन केसी, तो ये फॉरवर्ड चला जाएगा। अभी अभी क्या हो गया, क्यूसी 36 हो गया विच इज लेस देन 49, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा ना, तो कितना बच जाएगा 1 माइनस x। फॉरवर्ड जाने का क्या मतलब, 1 माइनस x और ये 6 प्लस 2x ऐसे, तब x कितना होगा कैलकुलेट कर सकते हो, तो ये जो वैल्यू आएगा कभी 7 तो नहीं आएगा, थोड़ा इधर उधर होगा, 1 माइनस x भी उसी तरह से ऐसा नहीं आ सकता है ना। तो बेस्ड अपॉन क्यूसी और केसी भी तो बता पा रहे हो, हाँ सबको क्लियर है ये? यस ओके, ये क्लियर हो गया ना। अब प्रोडक्ट तुम ऐड कर दो, H2 था 1 मोलर, तुमने हाइड्रोजन गैसेस में 2 मोलर ऐड कर दो, H2 तो 3 मोलर हो गया। अब क्यूसी चेंज हो जाएगा, 7 का स्क्वायर / 3 ना, तो क्यूसी क्या हो गया, लेस देन केसी, रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड ना। सोचो रिएक्टेंट ऐड कर रहे हो तो क्यूसी का वैल्यू क्या होगा, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन, तो रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन जो हो गया वो तुमने इंक्रीज किया तो क्यूसी कम पड़ेगा, तो क्यूसी इज लेस देन केसी, तो रिएक्शन मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, यही होगा ना। उसी तरह प्रोडक्ट ऐड कर दिया जाए, 7 मोलर की जगह 8 मोलर कर दो, तब क्या होगा, तुमने 1 मोलर HI ऐड कर दिया, तो लीच एटाइल से क्या होगा, तुमने HI ऐड किया तो HI को कब करना चाहेगा, तो बैकवर्ड आएगा। कोसेंट से कैसे बताओगे, 7 के जगह वो 8 हो गया, करेक्ट सुबह, कंसेंट्रेशन ऑफ एच आई विल इंक्रीज, तो क्यूसी इज बिकम्स ग्रेटर इन केस, पे ये बैकवर्ड आ जाएगा, यही है ना। In case of pure solid या pure liquid, on increasing mass,
नो चेंज इन कंसंट्रेशन। एस कंसेंट्रेशन कितना होता है इक्वल टू डेंसिटी बाई मोलर मास। सॉलिड के लिए बताया था ना, सॉलिड का कंसेंट्रेशन रिमेंस कांस्टेंट है ना, तो तुम अमाउंट ऐड ही कर दो तो कंसेंट्रेशन तो उसका वही रहा, सो नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। मतलब तुम जैसे CaCO3 है सॉलिड गिव्स आउट CaO प्लस CO2 गैस, इफ CaCO3 इज एडेड क्या होगा? नो इफेक्ट। क्यों? CaCO3 का कंसेंट्रेशन तो जो था पहले वही है। तुम 1 kg का जगह 5 kg लो, चाहे 10 kg लो, 100 kg लो, CaCO3 का अमाउंट कुछ भी बढ़ा दो कुछ भी कम कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। CaCO3 का कंसेंट्रेशन ऐसे बताया था, शायद भूल गया वो तो। जैसे CaCO3 है, इसका वॉल्यूम वी नॉट है, इसको हिट किया गया था, CO2 इधर आ रहा है, इसका वॉल्यूम वी है। वॉल्यूम ऑफ ये CaCO3 का कंसेंट्रेशन चाहिए, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 बाय इसका अपना वॉल्यूम, उतना ही में है ना वो, उसको पूरे रूम के वॉल्यूम से उससे क्या मतलब है। मास ऑफ CaCO3 बाय मोलर मास ऑफ CaCO3 इंटू वी नॉट, ये कितना हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ CaCO3 बाय मोलर मास ऑफ CaCO3, ये तो कॉन्स्टेंट ही होगा। यही होगा ना, ना डेंसिटी चेंज होगा ना मोलर मास चेंज होगा। मोलर मास इसका 100 है तो है, डेंसिटी जितना है, तो ये क्वेश्चन आना ही है। वो जैसे NNO3 सॉलिड है, वो NNO3 ऐड करेगा, बोलेगा क्या इफेक्ट होगा? कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यूसी और केसी से भी बता सकते हो, क्यूसी क्या है? कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 ना, CO2 का कंसेंट्रेशन चेंज हो रहा है क्या? तो इस पे इफेक्ट ही नहीं है। हाँ, CO2 का कंसेंट्रेशन बढ़ाओगे तो इफेक्ट आएगा। उस रूम में CO2 तुमने ऐड कर दिया तो बैकवर्ड आ जाएगा, या CO2 कम कर दिया तो फॉरवर्ड आ जाएगा, क्योंकि सॉलिड है तो इन्वॉल्व ही नहीं है, तो यही कैसा आएगा? आना ही है, जितने एक्सेप्शन से वही तो पूछते हैं ना वो। क्लियर हुआ सबको? कितने लोगों को क्लियर हुआ? Understood? Okay. हाँ नंदी बोलो। सर सॉलिड का चेंज नहीं होगा मतलब एक्जैक्टली सॉलिड ऐड करने का चेंज नहीं होगा मतलब एक्जैक्टली क्या? इट विल नॉट डिपेंड ऑन द सॉलिड इफ द रिएक्शन विल गो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड की सॉलिड इज नॉट इन्वॉल्वड इन द रिएक्शन थोड़ा सा। मतलब इन बोथ कंडीशन इफ यू गो अकॉर्डिंग टू क्यूसी और केसी you can in the QC only CO2 term is there, so if you increase the mass of CaCO3 or CaO, amount of CO2 is not going to change. Okay. The QC remains same and KC is temperature dependent, that will also not change, so neither QC is changing nor KC, so it will be at equilibrium only. Or if according to Leach et al's principle, if you want to see ki CaCO3 ka amount ओके CaCO3 का अमाउंट तुम इंक्रीज करोगे, सपोज 1 kg CaCO3 इज देयर, नाउ यू ऐड 1 more kg ऑफ CaCO3, सो विल द कंसेंट्रेशन ऑफ CaCO3 चेंज? लाइक वाटर का कंसेंट्रेशन इज व्हाट, 55.56 मोल पर लीटर? यस सर। यू टेक 1 liter एंड यू ऐड 10 लीटर मोर इन दैट, सो विल द कंसेंट्रेशन चेंज? No, sir. So concentration of pure solid and pure liquid is constant.
तो जब कंसंट्रेशन चेंज हुआ ही नहीं तो कैसे फॉरवर्ड बैकवर्ड होगा, ये क्वेश्चन आना ही है. ओके यस थैंक यू. ऑल द बेस्ट. तो ये हम लोग का अमाउंट ऑफ इस पे आ गया. दूसरा प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम चेंज. वॉल्यूम डिक्रीज करोगे तो प्रेशर बढ़ेगा और वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा, ये होता है ना. फर्स्ट डिक्रीज इन वॉल्यूम, मान लो जिस रो कंटेनर में उसका वॉल्यूम ही डिक्रीज कर दिया जाए, डिक्रीज इन वॉल्यूम और इंक्रीज इन प्रेशर. तो तुमने सिस्टम का प्रेशर तो इंक्रीज किया, वी हैव इंक्रीज द प्रेशर ऑफ द सिस्टम. सो सिस्टम क्या चाहेगा, अपना प्रेशर डिक्रीज करना. तो प्रेशर डिक्रीज करने के लिए उसके पास एक ही वे है, या तो फॉरवर्ड जाए या बैकवर्ड जाए. तो प्रेशर हमने इंक्रीज किया है, सपोज वी हैव इंक्रीज द प्रेशर, तो टू डिक्रीज द प्रेशर बैक वो उस डायरेक्शन में जाएगा जहां नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस आर लेस, जहां नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कम हो जाए तो अपना प्रेशर कम कर लेगा, अपना मोल कम कर लेगा वो. तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, तो प्रेशर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू नंबर ऑफ मोल. तो नंबर ऑफ मोल ही कम हो जाए तो प्रेशर भी कम कर लेगा वो, उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पे लेस नंबर ऑफ मोल. प्रेशर वॉल्यूम डिक्रीज और प्रेशर इंक्रीज, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टुवर्ड्स लेस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स. दूसरा इसका अपोजिट, मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, ऐसे होगा ना. फर्स्ट कंडीशन, इफ डेल्टा एन जी इज इक्वल टू जीरो, नो इफेक्ट. इक्विलिब्रियम कुछ कर ही नहीं सकता, मतलब नंबर ऑफ मोल चेंज ही नहीं हो रहा है. जैसे H2 गैस प्लस I2 गैस गिव्स आउट 2HI गैस है. अब तुमने नंबर ऑफ मोल इंक्रीज कर दिया तो वो उधर जाएगा जिधर नंबर ऑफ मोल कम हो रहा हो. नंबर ऑफ मोल कम तो हो ही नहीं रहा, वो तो दो मोल रिएक्टेंट क्या था, दो मोल प्रोडक्ट है, तो किधर भी नहीं जाएगा. नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, यही होगा ना. इक्विलिब्रियम विल नॉट शिफ्ट इन एनी डायरेक्शन. आज तुम लोग 16 कैसे हो गए, कोई न्यू एडमिशन है क्या? या एक कोई हमेशा के लिए मिसिंग है? ओके चलो, नो इफेक्ट. देखो वन मोलर था, यह प्रेशर ही ले लो तुम इसको, 1 ATM 1 ATM 7 ATM, यही डेटा फिक्स है. केपी मान लो 49 है, तभी तो इक्विलिब्रियम पे. वी डैश को वी बाई टू कर दिया जाए तो प्रेशर का क्या होगा, ये हो गया 2 ATM, ये भी 2 ATM, और ये भी अपना प्रेशर डबल हो जाएगा. वॉल्यूम हाफ करोगे तो सबका प्रेशर डबल होगा. तो क्यूपी का वैल्यू कितना हो जाएगा अभी, 14 का स्क्वायर बाय 2 × 2. अगेन इट इज 49, दैट इज इक्वल टू केपी. सो नो इफेक्ट. क्यूपी और केपी से भी क्लियर है? ओके क्लियर. ओके तो जैसे कि N2 गैस प्लस 3 H2 गैस गिव्स आउट 2 NH3 गैस है. अब तुम प्रेशर इंक्रीज कर दो, द सिस्टम विल ट्राई टू डिक्रीज इट्स प्रेशर बाय मूविंग टुवर्ड्स लेस नंबर ऑफ मोल. लेस नंबर ऑफ मोल किधर है,
फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये रिएक्ट करके 4 मोल से 2 मोल पे आ सकता है, तो ये फॉरवर्ड चला जाएगा। तुम वॉल्यूम डिक्रीज कर दो कंटेनर का तो प्रेशर सबका बढ़ गया, तो अपना प्रेशर कम करने के लिए बैकवर्ड चला जाएगा, फॉरवर्ड चला जाएगा। अब प्रेशर तुमने डिक्रीज कर दिया सिस्टम को, जिस सिलेंडर फ्लास्क में उसको वॉल्यूम को इंक्रीज कर दो, अचानक गैस का वॉल्यूम, सारे गैस का वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, प्रेशर डिक्रीज हो गया, वो कंटेनर ही जिसमें था उसको खींच के डबल पे ले आ दो, जैसे ऐसे था ना प्रेशर, ये वी था तो इसको तुम 2V बना दो, यहाँ पे ऐसे खींच के ले आओ, यहाँ पे 2V कर दो, तो क्या हो गया, प्रेशर डिक्रीज है, तो सिस्टम मूव्स टुवर्ड्स किधर जाएगा, मोर नंबर ऑफ मोल्स, ऐसे होगा ना, जैसे यहां से यहां कर दिया गया, तो प्रेशर डिक्रीज कर दोगे तो मतलब वॉल्यूम इंक्रीज कर दोगे, तो प्रेशर डिक्रीज हो गया तो सिस्टम मोर नंबर ऑफ मोल किधर है, बैकवर्ड होगा। इसको क्यूपी और केसी से कैसे एक्सप्लेन करोगे, एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन क्यूपी केपी, एन टू गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स आउट 2NH3 गैस, ये 1 ATM, 1 ATM, 2 ATM, KP is equal to 1, अब हम लोग ने सपोज क्या कर रहे हैं, VDS का वैल्यू V/2 कर दो, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर 2P आ जाएगा ना सबका, तो T is equal to, T इक्विलिब्रियम पे ऐसा था, T is equal to T इक्विलिब्रियम पे QP is equal to KP है अभी, 1 1 1 ले लो, अभी क्या होगा, वॉल्यूम हाफ कर दिया तुमने, तो सबका प्रेशर बढ़ जाएगा 2 ATM, 2 ATM, और ये भी 2 ATM, अब QP सोचो क्या हो गया, 2K² / 2 × 2, थोड़ा रॉन्ग हो रहा है, ये क्यूब होगा ना, 2K² / 2 × 2³, कितना आ जाएगा ये, 1/4, विच इज लेस देन KP, सो रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, यही किया था ना, यदि तुमने प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो रिएक्शन मूव्स टुवर्ड्स टुवर्ड्स लेस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, क्लियर हुआ सबको ये, हाँ, QC कंसेंट्रेशन डिपेंडेंट होगा, लगातार चेंज होगा, एट इक्विलिब्रियम वो दोनों इक्वल हो जाते हैं, यस, सबके यस आने चाहिए तब तो मालूम चले, एक दो लोग यस बोलना, क्लियर, साहिल, आनंदी, शुभम, क्लियर है, और शेड, अथर्व, 5 of you, आयुष, 6 of you, अचल, सोहम, 7, 8, और रेस 7, तुम लोगों का क्लियर नहीं है, और लोगों का क्लियर नहीं है, क्लियर किसको हो गया, साहिल, आनंदी, शुभम, श्रेद, अथर्व, आयुष, मेहुल, अचल, सोहम, दीप्ति, और किसको क्लियर नहीं है बताओ, यश, अदिति, स्नेहा, प्रद्युम, तुम लोगों को क्लियर नहीं है, कोई जवाब तो दो, यस और नो,
लेक्चर में हो तुम लोग कि बस ऑन है? प्रद्युम, आर यू देयर? नो आंसर, इसका मतलब प्रद्युम लेक्चर में नहीं है, बस ऑन है। और कौन है? स्नेहा, लेक्चर में प्रेजेंट हो? यस, तो क्लियर है ये। अदिति, आर यू देयर? प्रद्युम, नो आंसर। आदित्य ऑल्सो नॉट रिस्पॉन्डिंग। ठीक है, अगले बार भी देखता हूँ, नहीं तो फिर मैं कॉल कराता हूँ पेरेंट्स को। ओके, ठीक If gas is not present, then pressure increase करोगे तो equilibrium shifts in that direction। भी number of mole तो कम और ज्यादा कर ही नहीं सकता, गैस तो है ही नहीं। तो equilibrium shifts in that direction where more dense substance is formed, where more dense substance is formed, उधर जाएगा जहां पर more dense substance form हो रहा, जैसे कि कार्बन ग्रेफाइट है और डायमंड है। अब इसमें कहीं गैस है ही नहीं, तो प्रेशर बढ़ाओगे तो किधर जाएगा? more dense substance डायमंड की ओर। यही वे भी है डायमंड बनाने का, प्रेशर अप्लाई करते जाते हैं और डायमंड में कन्वर्ट करते जाता है। H2O सॉलिड और H2O वाटर इक्विलिब्रियम में, तो किधर जाएगा? प्रेशर इंक्रीज करोगे तो मोर डेंस सब्सटेंस। मोर डेंस क्या है? डेंसिटी ऑफ H2O लिक्विड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ आइस ना। जबकि कोई और रहता जैसे H2O की जगह आयरन ले लो, Fe सॉलिड, और एफी लिक्विड, तो प्रेशर इंक्रीज करोगे तो मोर डेंस सब्सटेंस बैकवर्ड। ओके, ठीक है। एफी सॉलिड से एफी लिक्विड इधर आ गए। अब H2O लिक्विड से H2O गैस हो, अब प्रेशर बढ़ाओगे तो किधर जाएगा? तो ये गैस है ना, लेस नंबर ऑफ मोल्स। जब गैस है तब तो सिंपल रूल है, वो उधर जाएगा जिस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस कम हो रहे हैं। क्लियर हुआ? कितने लोग क्लियर है? क्लियर है, यस करो। ये रहे, मालूम रहे कितने लोग प्रेजेंट है लेक्चर में।
अचल, साहिल, अथर्व, संस्कृति, शेड, शुभम, स्नेहा, सोहम, यश नॉट देयर, यश, प्रद्युम, दीप्ति, आनंदी, अदिति, आनंदी, आर यू देयर? यश, हाँ प्रद्युम, किधर गए थे तुम? दीप्ति और यश, तुम लोग लेक्चर में हो अभी? दीप्ति इज देयर? यश, यश पटेल, आज किसी रीजन से हो सकते हो? नहीं हो, ठीक है, देखते हैं आगे। ओके okay. हाँ दीदी, वॉइस नहीं, यू हैव टू सेंड द मैसेज यू आर प्रेजेंट। यस, मुझे लगता है कि उस लगे एक्सेंट है, जैसे अभी यश का कोई आवाज नहीं आ रहा। ठीक है, मैं पूछते रहूंगा, अभी क्लियर करना जरूरी है चीज। ओके तो ये हो गया 1 2, प्रेशर का भी इफेक्ट कर दिया। नाउ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, माई वॉइस इज ब्रेकिंग। वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है? नो सर, दीप्ति के अकॉर्डिंग वॉइस ब्रेक हो रहा है। नो सर, नो सर, नो सर, नॉट फॉर मी, परफेक्ट परफेक्ट। जरा सा मतलब, तो प्रद्युम को एक थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है, और एक दीप्ति को। तुम लोग का इंटरनेट कनेक्शन चेक करना होगा, बाकी लोगों ने नो बोला है, मतलब सबको परफेक्ट आ रहा है आवाज। इंटरनेट कनेक्शन चेक करो अपने। ओके, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस क्या होता है? दो वे में हो सकता है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पे चेंज करोगे तो नो नो इफेक्ट। कांस्टेंट वॉल्यूम पे चेक के चेंज कर दिया गया तो नो इफेक्ट। एज पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस रिमेन सेम। तब जब प्रेशर चेंज ही नहीं हुआ तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड क्यों जाएगा वो? जैसे जिस रूम में तुम बैठे हो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 0.8 एटीएम, एच टू 0.2 है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है ना, 0.2 है एटीएम ऑक्सीजन का, 0.8 एटीएम है नाइट्रोजन का। अब तुम इसमें हीलियम डाल दो 10 एटीएम पे, तो उससे N2 और O2 का प्रेशर तो चेंज होगा नहीं। जब वो चेंज ही नहीं हुआ तो इफेक्ट कैसा? जैसे कि H2 गैस प्लस I2 गैस गिव्स आउट 2HI गैस है। अब ये जिस कंटेनर में है ऐसे, अब ये है 1 एटीएम, 1 एटीएम, 1 एटीएम ऐसे है, 7 ATM ऐसे मान लो, वही डेटा के P इक्वल टू 49 है। अब तुम इस पर 10 ATM हीलियम डाल दो तो क्या डिस्टर्ब होगा? QP तो वही रह गया, प्रेशर तो सबका सेम रहा, और KP भी वही रहा, तो नो इफेक्ट विल बी देयर ना। एट
कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा? हाँ, वॉल्यूम इंक्रीज, राइट। अब तुमने सिस्टम का यहाँ पर रखा, जैसे कि प्रेशर, मतलब हीलियम गैस ऐड किया तो भी प्रेशर कांस्टेंट रखना है, तो फिर सबका उसके लिए वॉल्यूम को इंक्रीज करना पड़ेगा, तो प्रेशर डिक्रीज हुआ ना। पहले तो इसका इफेक्ट क्या, शिफ्ट टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। इसका रीजन क्या होता है? इनर्ट गैस इज एडेड टू कीप द प्रेशर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड। टोटल प्रेशर कांस्टेंट रखना था ना। अब तुम मान लो कि पहले से 10 atm पे सारे गैसे, 10 atm पे हीलियम डाल दो तो प्रेशर तो 20 हो गया, तो उसको वापस 10 लाना है, तो वॉल्यूम एक्सपेंड करना पड़ गया। वॉल्यूम एक्सपेंड कर दिया तो पार्शियल प्रेशर डिक्रीजेस, पार्शियल प्रेशर सबका डिक्रीज हो गया, तब क्या होगा? सिस्टम उधर जाएगा जिधर टू इंक्रीज टू इंक्रीज इट्स प्रेशर, उधर जाएगा जहां मोर नंबर ऑफ गैसेस मोल्स। क्लियर हुआ सबको? यस लिखो, जितने लोगों को क्लियर हुआ। आयुष, अचल, साहिल, संस्कृति, शेड, शुभम, और किसको क्लियर नहीं हुआ? अथर्व को क्लियर है, स्नेहा, सोहम, यश, प्रद्युम, मेहुल, आनंदी, आनंदी आर यू देयर? क्लियर है ये? ओके, यस, इट लुक्स कि नॉट देयर, कुछ प्रॉब्लम होगा हो सकता है। ओके, वॉल्यूम इज इंक्रीज, पार्शियल प्रेशर डिक्रीज, ये सबको क्लियर है? टेल अगेन अथर्व, ऐसे नहीं, क्या डाउट है ये बताओ, कौन सा पॉइंट नहीं समझ में? अथर्व अनम्यूट कर रहा हूं, बताओ। हाँ अथर्व बोलो। इंक्रीज से जब इनर्ट गैस को ऐड कर दिया गया, तो ये बताओ पार्शियल प्रेशर किसी का चेंज हुआ क्या? हर गैस का प्रेशर रिमेन सेम कांस्टेंट वॉल्यूम पे, इसलिए वो सेम रह गया। बट कांस्टेंट प्रेशर पे, मतलब तुम ऐड कर दो उसके बाद भी प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, यहाँ पे N2 गैस था प्लस 3H2 गैस गिव्स आउट 2NH3, ऐसा ले लो। और
क्यूपी इक्वल टू केपी है, ये तो इक्विलिब्रियम पे है। सपोज हीलियम गैस 3 ATM पर डाल दो, क्या होगा? टोटल प्रेशर कितना हो गया? 6 ATM। टू डिक्रीज द प्रेशर अप टू 3 ATM क्या होगा? वॉल्यूम को क्या करोगे? डबल करोगे, वॉल्यूम डबल करोगे तो वापस 3 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 3 ATM पे ये भी ऐड कर दिया। तो जैसे ही तुम करोगे 6 ATM पे तो क्या करेगा, वॉल्यूम को ऐसे इंक्रीज करना पड़ गया तुम्हें इस तरह से वापस। तो फिर से क्या होगा, N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स आउट 2NH3 गैस, ये हो जाएगा 0.5 0.5 और ये 0.5 ATM। और पी नॉट गैस, जैसे पी हीलियम डाला वो भी 3/2 ATM, टोटल प्रेशर वापस 3 ATM पर आ गया। बट क्या अभी क्यूपी इक्वल टू केपी रहा क्या? क्यूपी चेक करो तो 0.5 का स्क्वायर बाई 0.5 0.5 क्यूब, इट इज ग्रेटर देन केपी ना, तो बैकवर्ड आएगा टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ मोल्स। मतलब 3 ATM पे था, तुमने हीलियम गैस भी 3 ATM पे डाल दिया तो टोटल 6 ATM हो गया, बट प्रेशर तो वापस 3 ATM ही करना है एट द कॉन्स्टेंट प्रेशर। हीलियम गैस एडेड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, हीलियम नियॉन कोई भी इनर्ट गैस जो इससे रिएक्ट ना करता हो उस पर ऐड कर दिया गया 3 ATM पे, और टोटल प्रेशर वापस उतना ही आना चाहिए। तो वॉल्यूम फिर से इंक्रीज करना पड़ा, वॉल्यूम इंक्रीज किया था तुम्हें, सिस्टम का प्रेशर कम हो गया तो सिस्टम मोर नंबर ऑफ मोल की ओर जाएगा। इतना एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक स्टेटमेंट याद है तो हो जाएगा ये सब। सिर्फ इतना तुम्हें याद है यहाँ इनर्ट गैस एडेड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ मोल्स, बस हो गया अपना काम। और एडेड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम नो इफेक्ट, हर एक पॉइंट से एक एक क्वेश्चन पूछेंगे ही, इससे भी एक रहेगा। क्लियर ये सबको? ओके ठीक है, ये पहले ही क्लियर कर दिया था, 3 हो चुका चौथा। एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या करता है? इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इक्विलिब्रियम विल बी अटेंड फास्ट। जो 10 मिनट में इक्विलिब्रियम आ रहा था 2 मिनट में आ जाएगा, बट इक्विलिब्रियम को कहीं शक नहीं करेगा। इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन, इंक्रीजेस द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन बोथ। It increases the rate of forward and backward direction both. ठीक है, इसलिए कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं आता इसका। कैटालिस्ट क्या करता है ना, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। जैसे रिएक्टेंट का ये प्रोडक्ट था ना, ये मान लो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, और ये बताया था एक्टिवेशन एनर्जी, और इस चीज को क्या बोलते हो, डेल्टा एच, ये पोटेंशियल एनर्जी, इधर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो कैटालिस्ट ऐड करोगे ना तो सिर्फ ये जो पाथ है ना रेड वाला ऐसे हो जाएगा, छोटा सा हो जाएगा, बैरियर छोटा पड़ जाएगा।
मतलब बैरियर छोटा हो जाएगा तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी फास्ट बनेगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी कब फास्ट बनेगा। तो खैर ये यहाँ का नहीं है, ग्राफ अवॉइड करो, ग्राफ नहीं दिया होगा तुम्हें, बस इतना ही सोचना। ये हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे। नाउ टेम्परेचर, इसका रोल मैंने पहले ही क्लियर किया था, ये अच्छे से क्लियर किया हुआ है ना, कि लीचेटल से क्या था कि उसको तुमने हीट बढ़ा दिया, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तुमने उसे हीट कर दिया सिस्टम को, तो सिस्टम क्या चाहेगा, हीट को यूज करना, यूज करने के लिए वो फॉरवर्ड चला जाएगा कि हीट यूज कर दिया। अब मान लो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जो हीट रिलीज करता है, और तुमने कूल कर दिया तो क्या करेगा, वो अपने आप को हीट करने के लिए फिर से वो फॉरवर्ड जाएगा जिससे हीट प्रोड्यूस कर सके। वही मैंने बताया ठंडी के दिन आ गए तो लोग वहां पे आग जला के ये करते हैं चारों ओर, गवर्नमेंट को सब लकड़ी वगैरह जला के उसको हीट का अरेंजमेंट किया जाता है, यही है ना। तो कहीं पे एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, कूल हो रहा है कोई जगह, तो तुम हीट प्रोड्यूस करने की कोशिश करोगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन लाएंगे हम लोग, जैसे कार्बन को बंद करो, वुड को बंद करो, तो एक्सोथर्मिक है, हीट रिलीज करेगा तो हॉट कर देगा वापस। इसका क्या इफेक्ट था, एंडोथर्मिक रिएक्शन ऑन हीटिंग एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑन कूलिंग moves to forward direction. इतना क्लियर सबको, कितने लोग क्लियर हुआ, बस यस लिख दो मुझे मालूम चल जाएगा एवरीवन। यस आर यू देयर नाउ, यस पटेल, कितने लोग क्लियर हुआ, अथर्व, दीप्ति, मेहुल, कोई आंसर क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर लिखो, क्लियर, स्नेहा, सोहम, अदिति, हाँ यस, चलो अच्छा हुआ आ गए तुम, कहाँ थे कब से मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, यश पटेल, यस आधे घंटे से कहा, आधे घंटे से कई बार तुम्हारा नाम लिया मैंने, देयर वाज अ प्रॉब्लम इन द चैट, क्यों, अच्छा चैट दिख नहीं पा रहे थे तुम, तो अगले बार मैं इतना तुम्हें आवाज दूं कि यस कुछ बोलो तो तुम मुझे फोन करना, ठीक है, ये क्लियर है कि तुम लेक्चर में हो, चैट में प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करके बताओ कि चैट में प्रॉब्लम है उस समय, बट मैं जब आवाज दूं तो यस और नो बोलना है तुम्हें, यस और लो बोलना, ओके सबको क्लियर हो गया, राइट। नाउ एक क्वेश्चन देखें, जैसे H2O सॉलिड से H2O लिक्विड जा रहा है, प्रेशर इंक्रीज करो किधर जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज करो किधर जाएगा, वो बताना, प्रेशर इंक्रीज करोगे तो मोर डेंस की ओर, ये है ना, टुवर्ड्स मोर डेंस, मोर डेंस सब्सटेंस, और टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ये रिएक्शन क्या है, सॉलिड से लिक्विड, एंडोथर्मिक ना, हीट एब्जॉर्ब करता है तब लिक्विड बनता है, एंडोथर्मिक को हीट करने पे फॉरवर्ड जाएगा। जैसे हो गया क्वेश्चन, कैसे हो गया ना, N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स आउट 2NH3 गैस, डेल्टा एच मान लो इसका निगेटिव है, तो फेवरेबल कंडीशन फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 क्या होगा, टेम्परेचर
हाई और लो दो ऑप्शन है। मैं चाहता हूँ NH3 को डिकम्पोज करो, मतलब प्रोडक्ट रिएक्टेंट क्यों रहा है, बैकवर्ड ले आना है। एक्सोथर्मिक को कूल करने पे फॉरवर्ड जाता है, एक्सोथर्मिक को कूल करोगे तो फॉरवर्ड जाएगा, तो एक्सोथर्मिक ही तो है। हाँ तो कूल करोगे तो फॉरवर्ड NH3 बनते जाएगा, इंक्रीज करोगे। क्लियर, बहुत इजी सा चीज है, अभी तुम्हारे पास नोट्स में लिख दिया ना सब, लंबे रहता देख देख के बताते जाओगे, बाद में लर्न हो जाता है। प्रेशर कैसे डिकम्पोज होगा NH3, लो और हाई? हाँ नोट्स में भेज दूंगा अभी। प्रेशर तुम बढ़ाओगे तो टुवर्ड्स लेस नंबर ऑफ मोल, प्रेशर बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड चल जाता है लेस नंबर ऑफ मोल, हाँ तो प्रेशर डिक्रीज करना होगा। प्रेशर लो रखोगे टेम्परेचर हाई रखोगे तो डिकम्पोज करेगा। उल्टा भी पूछ सकता है कि NH3 मैन्युफैक्चरिंग करना है तो क्या करना होगा, सब अपोजिट कर देना है ना, एडिशन ऑफ क्या कर सकते हैं NH3, ये फॉरवर्ड जाएगा, या फिर रिमूवल ऑफ N2H2 कर सकते हो, इनर्ट गैस ऐड करो तो भी होगा ना, इनर्ट गैस एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, एट कांस्टेंट प्रेशर, यही 5 पॉइंट था ना, कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड कर दोगे तो टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ मोल, तो बैकवर्ड आएगा, ये बैकवर्ड रिएक्शन ना, मतलब ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, चार दे देगा इसमें से चारों में से कौन सा रॉन्ग है, अभी तो सब राइट लिखा हुआ है, एक उल्टा लिख देगा कुछ। ओके एक हो जाएगा क्वेश्चन, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में कैसे होगा, जैसे कि NH4HS सॉलिड है, ये ब्रेक होगा NH3 गैस और H2S गैस में, और एक ले लो एक और ऐसा कंपाउंड जिसको हम लोग NH3 आ रहा हो, जैसे कि NH4HX से तो नहीं होगा, HCO3 HNO3 इससे भी NH3 आ सकता है, और
हाँ कुछ ऐसे ले लो, अमोनियम कार्बोनेट का NH4 2SO4 ठीक है। ये जब डिकम्पोज होगा तो ये देगा 2NH3 गैस प्लस H2O+CO2 गैस। यहां से जब लिखोगे तो ये PATM, ये PATM, यहां से ये 2P- और ये P-। मान लो H2O लिक्विड लेके चल रहे हम लोग है ना सॉलिड से, तो CO2 गैस आ गया, P-P- आ गया, तो NH3 जो होगा टोटल, यदि दोनों से P गैस आ रहा है तो रूम में टोटल कितना हो जाएगा, P इधर से और 2P- यहाँ से, यहाँ से 2P- और P आएगा ऐसे। तो पहले का जो KP होगा, KP ऑफ NH4HS, वो होगा P+2P- (P)। और दूसरा होगा KP ऑफ NH4 2SO3, ये होगा P+2P- का स्क्वायर आएगा (P)। H2O लिक्विड तो आएगा नहीं, लिक्विड तो हटा ही दो। तो पहले का केपी कितना था, PnH3 × PH2S, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम याद है तो। बट PnH3 जितने सोर्स से वो सब लिखना होगा, तो PnH3 केवल इसके अपने सोर्स से PATM है और दूसरे सोर्स से 2P- आया हुआ, तो P+2P·P फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड का केपी लिखोगे तो होगा PnH3 का स्क्वायर (CO2)। अब PnH3 कितना था, P+2P·, तो उसका स्क्वायर (P-). ये दो अननोन, दो इक्वेशंस को सॉल्व करके आ जाएगा। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन ऐसे होंगे, मतलब सिंपल, जैसे कि एक सॉलिड ले लो, वो दे रहा है A+ B-। तो यहां से तुमने मान लो ये XATM लिया तो ये भी X आएगा। अब एक ऐसा सब्सटेंस Y ले लो जिससे ये दोनों Y और Y आ रहा है, ए टोटल कितना हो गया X+Y और ये भी X+Y। हाँ तो पहले का मान लो ये KP1 था और ये KP2 था, तो KP1 विल बी X+Y × X फर्स्ट इक्वेशन और KP2 विल बी X+Y × Y ऐसे। क्लियर? नीचे टेरेस पे बिगनर्स बॉक्स होगा वो देखो, तो सामने कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। Unit 4 ना, यस। गॉट इट। वन इक्विलिब्रियम में 96 पे जाओगे, मिथाइनिक इक्विलिब्रियम
हेटरोजेनस इक्विलिब्रियम में तो किया था बिगनस बॉक्स फोर। हाँ वो जो मैंने पीडीएफ भेजा है उसमें पेज नंबर 25 पर है, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ गैस एडिशन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अब हाँ ये पार्ट देखो यहाँ पे एक साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम ये भी बता दिया इसका। अब थर्मो वाला पार्ट करते हैं हम लोग, बिगनस बॉक्स 5 11 क्वेश्चन है, 5 मिनट में हो जाएगा, इसे करो बिगनस बॉक्स 5। कितने क्वेश्चन हो गए अभी? कितने हुए सबके अभी?
हाँ बताओ कौन कौन से डाउट है इसमें। फर्स्ट द अमाउंट ऑफ सी एंड डी इंक्रीजेस, इंक्रीज इन फेवर्स। ओके फोर्थ टेम्परेचर इंक्रीज। ओके फिफ्थ भी हो गया। ओके तो ये पार्ट देख लो, अभी हो जा रहा है ना, विदाउट डाउट होते जा रहा है। वही मैं बोला था कि एक बार समझ जाओगे तो ये बहुत ईजी है। इसका एक लास्ट पार्ट है, मान लो एक रिएक्शन है इस तरह से दिया हुआ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड थर्मोडायनेमिक्स, एक रिएक्शन ए ए प्लस बी बी सी सी डी और डी, गैस होना जरूरी नहीं, जो भी फॉर्म रहे तो क्यू में वो इन्वॉल्व करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। तो डेल्टा जी का वैल्यू क्या था, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, या लॉग लिखोगे तो 2.303 कर देना, 2.303। आर टी लॉग क्यू एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है, एनर्जी मिलनी बंद, डेल्टा जी का वैल्यू जीरो, क्यू का वैल्यू के, तो जीरो विल बी डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के, ये पहले भी बता दिया था मैंने। तो डेल्टा जी नॉट का वैल्यू जो आएगा माइनस आर टी एल एन के, या माइनस 2.303 आर टी लॉग के। तो डेल्टा जी नॉट है तो के बताना है, के मालूम है तो डेल्टा जी नॉट बताना है। बट इसका एस वाला रोल नहीं किया था हम लोगों ने। डेल्टा जी नॉट का जो वैल्यू होता है वो होता है डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, क्वेश्चन वन और थ्री को। ये होगा फ्रॉम इक्वेशन वन एंड थ्री। वन एंड थ्री से क्या आ जाएगा, डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, यही होगा ना। एल एन के का जो वैल्यू हो गया डेल्टा एस नॉट बाई आर माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर टी, ये एक इक्वेशन आ गया। अब इसका ग्राफ पूछता है डेल्टा एच नॉट और वन बाई टी में क्या रिलेशन है, देखो तो बहुत इजी दिख रहा है। एल एन के क्या लिखा था मैंने अभी, माइनस डेल्टा एस नॉट बाई आर वन बाई टी प्लस डेल्टा एस नॉट बाई आर एल एन के इक्विलिब्रियम ऐसे। अब एल एन के इक्विलिब्रियम और वन बाई टी का क्या ग्राफ होगा, इसको वाई एक्सिस माना, इसको एक्स मान लिया, ये स्लोप हो गया और ये सी हो गया, मतलब ये स्टार्ट होगा डेल्टा एस नॉट बाई आर से। ये वैल्यू कितना हो गया डेल्टा एस नॉट बाई आर ना, डेल्टा एस नॉट निगेटिव है मतलब प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, तो स्लोप पॉजिटिव हो गया। टैन थीटा का वैल्यू कितना हो गया माइनस डेल्टा एस नॉट बाई आर, ये कब होगा,
इफ डेल्टा एस नॉट इज निगेटिव, मतलब एक्सोथर्मिक है तो इधर ग्राफ गया, और वो निगेटिव स्लोप भी हो सकता था ऐसे इफ डेल्टा एस नॉट इज पॉजिटिव। ये क्लियर हुआ? ओके हाँ, तो केमिकल इक्विलिब्रियम हम लोग का यहाँ पे ओवर होता है। जो बिगनर्स बॉक्स था उसमें क्या क्या डाउट आया बताओ? इक्विलिब्रियम के सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, अगले बार इसका डाउट ही चलेगा केमिकल इक्विलिब्रियम, बट अगले बार ही हो जाना चाहिए। हाँ, इसमें कौन सा है मेरे सामने बताते, जब सब आंसर नहीं करोगे तो। क्वेश्चन नंबर वन का आंसर क्या हो गया? 2A सॉलिड प्लस 3B गैस, एक सॉलिड है और गैस है ये, प्लस क्यू मतलब हीट रिलीज हुआ, क्यू इज एनर्जी है ना, एक्सोथर्मिक है, तो द प्रेशर ऑन द सिस्टम इज रिड्यूस्ड टू द हाफ ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, प्रेशर कम कर दिया गया तो सिस्टम किधर जाएगा, तो टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ मोल्स, मोर नंबर ऑफ मोल किधर है, बैकवर्ड साइड में, लेफ्ट साइड में देखो तो 3 मोल ऑफ गैस है, मोर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, रिएक्टेंट में 3 मोल गैस का है, तो प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट में 4 मोल है, 3 मोल ऑफ सी 1 मोल ऑफ डी, तो रिएक्टेंट में 3 मोल प्रोडक्ट में 4 मोल, तो प्रेशर ऑफ द सिस्टम को जब भी हाफ करोगे तो सिस्टम अपना प्रेशर बढ़ाने के लिए मोर नंबर ऑफ मोल मतलब फॉरवर्ड जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा मतलब ए का अमाउंट डिक्रीज होगा, बी का अमाउंट डिक्रीज होगा, सी और डी के अमाउंट बढ़ेंगे, और एक्सोथर्मी का तो हीट रिलीज होता जाएगी, रूम हीटेड होता जाएगा, ये सब पॉइंट्स आएंगे, तो क्या क्या होगा, अमाउंट ऑफ सी एंड डी इंक्रीजेस, अमाउंट ऑफ ए एंड बी डिक्रीजेस, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस क्योंकि एक्सोथर्मिक है, हीट करते जाएगा वो बाहर आया तो। क्लियर? दूसरा, NaNO3 सॉलिड इज हीटेड, यही क्वेश्चन आना ही आना है, वो आते ही रहता है, NaNO3 को हीट करोगे तो क्या होगा, NaNO3 या NaNO2 दोनों में से किसी को भी तुम इंक्रीज करो, इक्विलिब्रियम पे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों सॉलिड है, उसका कंसेंट्रेशन फिक्स था डेंसिटी बाई मोलर मास, एडिशन ऑफ NaNO3 या NaNO2 कुछ वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। हाँ तो क्या होगा, ये तो सॉलिड है उसको तो भूल ही जाओ, प्रेशर इंक्रीज करोगे तो किधर जाएगा, टुवर्ड्स लेस नंबर ऑफ गैसियस मोल, टुवर्ड्स लेस नंबर ऑफ गैसियस मोल कहाँ पे है, बैकवर्ड में आएगा, राइट साइड में हाफ मोल गैस का है, लेफ्ट साइड में एक भी गैस नहीं, तो प्रेशर इंक्रीज करो तो लेफ्ट साइड आ जाएगा ना, तो सी आ जाता है, डिक्रीजिंग टेम्परेचर फेवर्स द फॉरवर्ड डायरेक्शन, अब ये कोई भी हीट करने पे ब्रेक हो रहा है मतलब एंडोथर्मिक है, तो एंडोथर्मिक को हीट करोगे तब तो फॉरवर्ड जाएगा ना, तो ये एंडोथर्मिक है तो कूल करने पे बैकवर्ड आएगा ना, उसने बोला कि टेम्परेचर कूल करने पे फॉरवर्ड जाएगा। क्लियर हुआ क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना? आई थिंक होते जा रहा, अभी कर लो देखो, इतने में और कोई डाउट है? हाँ साहिल, तुमने तो सारे आंसर कर दिए, 6 7 8 9 9 तक, अभी एक ही बचा तुम्हारे, एक या दो। थ्री, थर्ड में डाउट है शुभम? ओके थर्ड देखो, द इक्विलिब्रियम 2SO2 प्लस O2 गैस गिव्स आउट 2SO3 गैस शिफ्ट्स फॉरवर्ड, कब फॉरवर्ड होगा इक्विलिब्रियम, जब SO2 को ऐड करो, O2 को ऐड करो या SO3 को रिमूव करो, है ना, प्रेशर बढ़ाओगे तो किधर जाएगा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या आएगा, प्रेशर बढ़ाओगे तो लेस नंबर ऑफ मोल मतलब फॉरवर्ड जाएगा,
यही होगा ना। और ये कॉम्बिनेशन रहता है, डेल्टा एच एक्सोथर्मिक होगा, एक्सोथर्मिक होगा तो कूल करोगे तो फॉरवर्ड जाएगा, एक्सोथर्मिक को कूल करने में फॉरवर्ड होता है, यूजली किसी का भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है, कूल करने में फॉरवर्ड चला जाता है, एक्सोथर्मिक रहता है। तो और क्या हो सकता है, इनर्ट गैस, इनर्ट गैस ऐड करोगे तो टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ मोल, मतलब बैकवर्ड आएगा, यही सब है ना। अब देखो, अ कैटलिस्ट इज यूज्ड, ऑप्शन ए नो इफेक्ट। दूसरा, एब्जॉर्बेंट इज यूज्ड टू रिमूव SO3, SO3 को रिमूव किया तो फॉरवर्ड आ जाएगा ना, वो वही तो पूछा, फॉरवर्ड कब आएगा, जब SO3 को तुम हटाते जाओ तो फॉरवर्ड आते जाएगा, प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन कम करोगे तो फॉरवर्ड जाएगा ना, या रिएक्टेंट इंक्रीज करोगे तो फॉरवर्ड जाएगा, या स्मॉल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स आर रिमूव्ड, रिएक्टेंट रिमूव किया तो बैकवर्ड आएगा। ओके और कौन सा डाउट है? हाँ बी होगा ना, साहिल क्वेश्चन नंबर 10 का भी आंसर लिखा तुमने, ठीक है। सब आंसर चेक कर लेना साहिल, ऑल 11 जो तुमने लिखा। ओके इतने में और किसी का कोई डाउट है? फोर्थ का आंसर, डेल्टा एच पॉजिटिव है, एंडोथर्मिक है तो हीट करोगे फॉरवर्ड चला जाएगा, एनओ को प्रोड्यूस करना है तो एंडोथर्मिक है तो हीट करो फॉरवर्ड आएगा, प्रेशर का इफेक्ट नहीं आएगा है, क्योंकि डेल्टा एनजी जीरो है, 2 मोल इधर है तो 2 मोल उधर, प्रेशर इंक्रीज करोगे तो टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ मोल, ये कहीं नहीं जा सकता। तो खैर एक बार नोट्स पढ़ो, उसके बाद ये सब अटेम्प्ट करो, बेटर रहेगा, ठीक है। इसको याद रहा उसने कर लिया, चलेगा, साहिल ने कर लिया, सब बेस्ट ऑल ऑफ यू, सब नोट्स पढ़ के इसको पूरा कर दो, फिर अगले बार में पूरा बुकलेट का इसका डिस्कशन और क्वेश्चन पेपर जो एडवांस में रह गए या फिर जो टेस्ट में थे वो सब, फिर नेक्स्ट वीक में आने की इक्विलिब्रियम ओवर करेंगे, ओवर तो नहीं होगा स्टार्ट कर लेंगे, आने की इक्विलिब्रियम अगले वीक भी स्टार्ट हो सकता है, नेक्स्ट सैटरडे को भी देखेंगे कितना होता है, कुछ तो कर ही लेंगे। ओके ओके चलो सब इंटरेक्ट तो कर लो, अभी विल स्टार्ट आयनिक इक्विलिब्रियम। साहिल डाउट्स पहले आधे घंटे में करके, रेस्ट 1 घंटे में आयनिक इक्विलिब्रियम कर लेंगे, आधे घंटे से ज्यादा का डाउट नहीं होगा, क्योंकि टॉपिक कीजिए देख ही रहे हो, सामने सामने हो जा रहा है तुम लोग का, हाँ ठीक है चलो, ऑल राइट, मिलते हैं ऑन सैटरडे, ओके बाय।